अर पल्ली हाँ जी भर जियो है जो समा कल हो ना हो भैया ये बात गई ना नहीं ना बिल्कुल सच कर दिया। बता रहा भाई मैं ही नहीं यहाँ पे गाइस हमारे यहाँ पे इंडिया में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि फ्री फायर इंडिया का काफी ज्यादा वेट कर रहे लेकिन गरीना ने भाई अचानक से ऐसी शॉकिंग न्यूज दी भाई क्या ही बोले। आप सभी को पता होगा मैंने भाई रात के 1 बजे वीडियो बना के ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि भैया अपनी गेम में ना फ्री फायर कुछ दिनों के लिए कुछ हफ्तों के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है अपना फ्री फायर इंडिया। भाई क्या कर सकते हैं अपने हाथ में तो कुछ है नहीं लेकिन अपने हाथ में एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज है वो है गाइस इस वीडियो को देखना। तो आप सभी इस वीडियो को देखो एंड तक कि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज्यादा अंदरूनी राज पता चलने वाले हैं ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको क्या करना है बस वीडियो को एंड तक पॉज कर लेना है और भैया अगर चाय मिल गई हो तो आप सभी को मैं से पहले विश कर दूंगा कि सभी लोग गाइस गुड मॉर्निंग सुप्रभात राम राम जय श्री राम। तो गाइस सभी लोग कैसे हो यार आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो गए एंड गाइस आगे भी बढ़े हो यही दुआ है यही कामना है। तो आपको इस वीडियो के अंदर गाइस काफी ज्यादा अंदरूनी राज पता चलने वाले हमारे यहाँ पे ओ भी नहीं भाई जो बुआडी इवेंट आने वाला उसके रिलेटेड ठीक है। तो बस वीडियो को एंड तक जो से वॉच कर लेना बहुत ज्यादा अच्छे वीडियो होने वाले कंप्लीट वॉच जो से करोगे आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपसे को बता दूं। यहाँ पे गाइस हमारे जैसे कि आपको पता गाइस हम लोग हमेशा ये ना मतलब कि अपने सबसे पहले बढ़ते खेला की आज गाइस हमारे कुछ खास कमेंट्स आए नहीं थे हाँ नॉर्मल कमेंट्स थे भाई फर्स्ट कमेंट और फर्स्ट पिन प्लीज मतलब ये सारे कमेंट्स हैं नॉर्मल से। तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले जो बंदा भाई मेरे लिए मतलब कि मेरे अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया भाई। इसकी बात गाइस हमारे कोई मतलब कि कोई कमेंट्स जो अपडेट्स पूछते हैं तो वो कमेंट्स तो नहीं इसलिए मैंने वो कमेंट दिखाने के बजाय आपको 2 से 3 अपडेट बताने की कोशिश की है ठीक है। तो उन अपडेट्स को जानना और गाइस रेस्पॉन्स देना आपका जरूर से कि कैसे क्या अपडेट होने वाले और लाइक जरूर से कर। तो भाई तुम सबको ना सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे अपने जो फ्री फायर इंडिया होने वाला वो इस प्रकार का होने वाला है जैसे कि देख पा रहे हो ये अपना मिली है ना। अब मिली में देखो भाई यहाँ पे थोड़ा ग्राउंड टाइप का लग रहा है घास फूस भी काफी ज्यादा हो रही है। ये अपना क्लॉक टावर है अब क्लॉक टावर देखो भाई यहाँ पे सूर्य मतलब की आसमान देखो कितना सुंदर कर दिया है बाकी यार यहाँ पे थोड़े घास फूस की टाइप के रख दिए एकदम इंडिया टाइप का विलेज टाइप का बना दिया तो ये काफी ज्यादा डेंजर भी लग रहा है। तो मतलब की झाड़े वाड़े में आई थिंक कोई ना कोई मेडिकेट वगैरह पड़ी रहेगी और ये अपना बीमा शक्ति बीमा शक्ति पे घर वही है जगह वही है बस पेड़ पौधे और थोड़ा डेंजरसली लुकिंग कर दिए ना। इसके बाद वो टावर वावर भी लगा दिए हैं और इतना ही नहीं मेरे भाई यहाँ पे ना आपको देखो हमारे ये पीक है ये न्यू पीक है ठीक है। तो न्यू पीक तो भाई सच्ची मुझे दिल से उतना पसंद नहीं है बिल्कुल टट्टी है अपना पुराना वाला पीक तो भाई लेजेंडो का पीक बाकी देखते फ्री फायर इंडिया में देखो पीक कुछ इस प्रकार का लगने वाला बहुत ज्यादा डेंजर लुकिंग आने वाली है ठीक है। और ये है लास्ट अपडेट जो ये है गाइस मार्स इलेक्ट्रिक तो मार्स इलेक्ट्रिक भी देखो कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है तो भाई क्या ही बोले पहले बार में सोचा तो मैं क्योंकि मुझे नहीं पता गाइस बंदा कहां से निकलेगा ऐसे कहते हम लोग थोड़ा पता रहता है कि हाँ भाई बंदा यहाँ पे रस्ता यहाँ से घूम के यहाँ रस्ता है लेकिन क्या बोले इसके अंदर पता नहीं भाई कौन कौन सुरंग बनाए हुए क्या पता क्या कर रखे होंगे। तो आपको ये वाला फ्री फायर जो इंडिया आएगा ना उसके अंदर मैप तो बरमूडा ही रहेगा बस ये थोड़ी जगह जो है ना उनके घास फूस ज्यादा उगा दी जाएगी और आसमान को थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा एकदम सूरज टाइप का ला दिया जाएगा ठीक है। तो ये तो ये गाइस हमारे यहाँ पर इसकी अपडेट आपका इस रेट यहाँ पर और भी 2-3 आपको मैं अपडेट दे दूंगी काफी ज्यादा अच्छी अच्छी अपडेट्स और यार काफी सारे सब्सक्राइबर लोग ये बोल रहे हैं कि अपना जो बुआडी का इवेंट है ना भैया वो स्टार्ट कब होगा और गाइस वो कौन मतलब कैसे आने वाला। तो देख पाओ ये गाइस हमारे बुआडी का बिल्कुल टू कॉपी है ऐसा ही बुआ टाइप आपको बिल्कुल देखने मिलने वाला है ये मकड़ी का जाल देखने मिलने वाला है इसके आसपास आपके दोस्त मिलने वाले हैं आपको नीचे कुछ लाइन दिख रही होगी उसको पूरा कंप्लीट करना है तभी आपको यहाँ पे छमे का बंडल मिल जाएगा और इसके बाद आपको डेली मिशन दे जाएंगे डेली मिशन से कंप्लीट करोगे तो डेली रिवॉर्ड मिलेंगे तो पूरा ऐसे करके इवेंट आने वाला है। और इतना ही नहीं मेरे भाई आपको यहाँ पे ना और भी ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स वगैरह देखने मिलने वाले हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे बुआडी के यहाँ पे फिस्ट के स्किन हो गया वो भी पता चला कि आपको बिल्कुल ही फ्री मिल सकती है लेकिन ऐसा होगा नहीं कहीं ना हमारे सरपे ऐसा कभी नहीं करेगी मुझे बिल्कुल पता है ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे ना और भी रिवॉर्ड देखने मिलने वाले हैं और इसके बाद ने गाइस हमारे यहाँ पे सबसे बेहतरीन अपडेट ये है कि मतलब कि कितने भी स्काई वायल होगा जो ये जानना चाहते हैं कि अपना बुआडी कैसा होने वाला कौन से इवेंट होने वाला तो आप सभी को मैं यहाँ पे एक बार दिखाया था लेकिन उससे पहले मैं आपको ना बुआडी इवेंट की ना कन्फर्म डेट बता दूँ ये गाइस हमारा 8 सितंबर से इवेंट पूरी तरीके से स्टार्ट होने वाला 8 सितंबर से ना आपके सभी इवेंट्स ना आपको अपडेट समय देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ना आप सबको बुआडी ना हमारा रिंग इवेंट के अंदर ही देखने को मिलने वाला और रिंग इवेंट देख सको इस प्रकार का होने वाला है। अब हालांकि आपको ये 2 बंडल देखने को मिल रहे होंगे तो इन 2 बंडल्स की जगह ना बुआडी का पैन बुआडी की स्किन जो फिस्ट की स्किन ना और बुआडी के कटाना की स्किन ना तो इन सब में से कुछ रिवॉर्ड देखने मिल जाएंगे 4 रिंग देखने को मिलेगी आपको ऐसे देखने 4 वीर है ना तो ग्लू वॉल की स्किन वगैरह आ जाएगी ये 2 बंडल की जगह कुछ अलग आइटम आ जाएंगे ठीक है। और ये ना आपको मॉर्निंग में 4 बजे देखने को मिलने वाला और हमेशा तरह इसके डायमंड तो भाई गंदे से गंदे कटने वाले हैं लगभग मैं आपको बताऊँ ना तो इसके अंदर आपको मेरे भाई यहाँ पे ना आपके 2000 डायमंड तक आराम से लग सकते हैं क्योंकि इसके टोकन जो है ना बहुत मुश्किल से निकलते हैं भाई एक एक टोकन निकलता है इसलिए बहुत ज़्यादा महंगा स्पिन पड़ता है अपन को ठीक है।
तो 2000 डायमंड तो लग जाएंगे मॉर्निंग में 4 बजे का। अब इसकी डेट तो फिलहाल कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ 8 तारीख के बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा। और पूरे महीने इवेंट चलने वाला, तो इसकी फिस्ट स्किन वगैरह ईवो ईएमपी वगैरह सब कुछ रिटर्न आने वाला है, ठीक है। तो ये तो थी भैया हमारे यहाँ पर भैया छोटी छोटी एक अपडेट है, मैंने आपसे को बता दिया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता तो प्लीज कमेंट से पूछ लेना। वीडियो को लाइक नहीं कर, वीडियो एक लाइक जो कर देना, चलो उसका नहीं कर तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो यार। आपके भाई का चैनल गाइस कब 10 की स्काई कंप्लीट करवाओगे भाई, 3 साल हो चुके हैं, तो प्लीज मेहरबानी करके सब्सक्राइब जो से कर देना, वीडियो लाइक जो से कर देना। हम लोग करते हैं यहाँ पे फाइनल अपडेट के बारे में बात। तो यहाँ पे ना गाइस हमारे पे कोबरा मी 40 के बारे में कोई भी अपडेट बताने से पहले मैं आपसे को एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं। बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे गए जो ये सोच रहे हैं ये बात कि अपने जो कोबरा एम 40 है ना वो फेडरविल इवेंट में भी ऐसा भाई आप ही ने ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग ये सोच रहे हैं कि कोबरा एम 40 हमारे फेडरविल इवेंट के अंदर आएगी। तो मैं आपसे को यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर कर दूँ कि हमारे यहाँ पर अब कोई सी भी स्किन ना वो फेडरविल इवेंट के अंदर रिटर्न नहीं आएगी। मतलब कि देखो जैसे कोबरा एम 40 है, अब भाई ये जब पहली बार आएगी ना, मतलब पहली बार आएगी तब फेडरविल इवेंट आई थी ना, और अब ये सब्सक्राइबर लोग ये सोच रहे कि अगली बार जब रिटर्न आएगी ना तब भी फेडरविल इवेंट में आएगी, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। क्योंकि कहीं ना कभी भी जो रिटर्न स्किन होती ना वो हमको फेडरविल इवेंट नहीं देती, क्योंकि फेडरविल इवेंट में ना लिमिटेड डायमंड होते हैं यहाँ पे 1200 या फिर 1000, ठीक है। लेकिन यहीं पे क्या अगर रिंग इवेंट में गरीना देगी तो गरीना को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये मेरे भाई फेडरविल इवेंट के अंदर बिल्कुल नहीं, कतई बिल्कुल 1% ज़्यादा नहीं कि आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर ये कब आएगी, तो वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो बस एंड तक जरूर से वॉच कर। तो आपसे को मैं बताऊंगा, देखो अपने जो ईवो बोनांजा जो इवेंट है ना गाइस, जो भी हाल ही में पोस्टपोन्ड हो गया था, तो उसके लिए गाइस आपको मैं यहाँ पर एक अपडेट दे दूं। ईवो बोनांजा इवेंट के अंदर ना गाइस आपसे को यहाँ पे ना हमारी कुछ कन्फर्म स्किन देखने को मिलेगी, जैसे कि हमारे यहाँ पर ड्रैको की 47 होगी, ड्रैको की 47 ना गाइस कन्फर्म आपको ईवो बोनांजा इवेंट के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद गाइस हमारे यहाँ पर ना यहाँ पर ईवो MP5 दिखा रही है ग्लिच के अंदर, ईवो MP5 की बजाय ना आपको यहाँ पर कोबरा MP40 देखने को मिल सकती है। और आपको इतना ही नहीं गाइस, ईवो XMAT या फिर गाइस आपको ना यहाँ पे हमारे यहाँ पर ईवो फार्मास, इन दोनों में से एक स्किन भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो 3 स्किन कन्फर्म हुई है। ईवो MP5 यहाँ पर भले दिखा रहेगा, लेकिन पता है क्यों होगी, क्योंकि गाइस अब ईवो MP5 लगातार हमारे यहाँ पे 6 महीने से रिटर्न आई है। पिछले वाले ईवो वर्ल्ड के अंदर भी हमारे ईवो MP5 रिटर्न आई थी, और इस वाले ईवो वर्ल्ड के अंदर भी ईवो MP5 रिटर्न आ रही है, ठीक है। तो ईवो वर्ल्ड के अंदर जो सॉरी ईवो वर्ल्ड नहीं ईवो बोनांजा इवेंट के अंदर ना हमारे ईवो MP5 की जगह ना गाइस हमारे यहाँ पर कोबरा MP40 हमको दी जा सकती है, ठीक है। ऐसा गाइस बहुत ज्यादा चांस निकल के आ रहा है, और जहां तक आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे भी ये लगता है कि आपको ना ईवो MP40 इसके अंदर जरूर से जरूर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ईवो MP5 ना बहुत दिनों से आए, तो इसकी वजह ना गाइस गिरना हमको यहाँ पर इसके ये कोबरा MP40 देने वाली है। और ऐसा गाइस हर यूट्यूबर जहाँ तक कह रहा है, और डाटा मैं जब यही कन्फर्मेशन दे रहे हैं आपको, इस बात करते कि हमारा ये वाला इवेंट कब आएगा, तो इवेंट अभी तक गाइस रेडी नहीं हुआ है, इवेंट के ऊपर वर्क प्रोग्रेस में है, इवेंट के ऊपर काम चल रहा है। तो आपको और वैसे भी गाइस आपको इस महीने इवेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस महीने ना 8 तारीख से हमारा बुया डे इवेंट स्टार्ट होने वाला है, तो बुया डे इवेंट में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ये पूरा महीना ये लेट हुआ है मुझे पता है, ठीक है। तो पूरे महीने तो इसकी ये काम चलेगा, तो आपको इसकी ये ना गाइस आपको अक्टूबर के मंथ में ईवो बोनांजा इवेंट कन्फर्म देखने को मिल जाएगा, और उसके अंदर गाइस हमारे पे कोबरा MP40 रिटर्न आएगी, एकदम कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि भाई मुझे जितनी भी अपडेट मिलती है ना, मैं आप सभी को ना उसको दिखाने से पहले मैं खुद उसकी कन्फर्मेशन करता हूँ, तभी जाके मैं आपको अपडेट दिखाया था, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता तो प्लीज कमेंट से बता देना, वीडियो एक लाइक जैसे कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जैसे कर देना। मिलते वीडियो के साथ, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।